हेलो एवरीवन, आज हम आपको बताएंगे सर्दियों की स्पेशल चाय, गुड़ की चाय, जिससे कि सर्दी, जुखाम, गला खराब, गले में दर्द, गले की खराश तुरंत दूर हो जाएगी आप ये चाय एक बार पियोगे तो। तो चाय कैसे बनाएंगे, उसके लिए एक कप पानी, तो एक कप दूध, चाय पत्ती, चार इलायची, अदरक का 1 इंच का टुकड़ा, काली मिर्च पाउडर 1/4 टीस्पून है, और एक गुड़ का टुकड़ा। गुड़ अपने हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हो। तो सबसे पहले हमने पानी को उबलने रख देना है। हमने एक पैन में पानी चढ़ा दिया उबलने के लिए, और दूसरे पैन में हमने दूध उबलने के लिए चढ़ा दिया। अब हम इलायची को कूटेंगे। इससे इलायची को हमने अच्छे से कूट लेना है। अब इलायची चाय में डाल देंगे, पानी में डाल देंगे। दूध को हमने वैसे ही उबलने रखना है, ये चाय आपकी बिल्कुल नहीं फटेगी। और इसमें हमने काली मिर्च पाउडर भी डाल देना है, और अदरक को हमने बड़े वाले हिस्से से कद्दूकस करना है, इस तरह से बड़े वाले हिस्से से। या आप कूट भी सकते हो इसको, या कद्दूकस करके और अच्छे से हो जाता है ये। कद्दूकस करके इसको भी हमने सारा चाय में डाल देना है। और अब इसमें मेन इंग्रेडिएंट चाय पत्ती डालनी है। आप चाय पत्ती जो भी यूज़ करते वही डाल सकते हो। 1 चम्मच चाय पत्ती हमने इसमें डाल देनी है, और इसको 2-3 मिनट तक उबलने देना है। और दूध वाला भी सिम कर देंगे हम गैस। अब इसमें गुड़ डाल देंगे। गुड़ को मेल्ट होने तक हमने इसको उबालना है 1-2 मिनट तक। चाय को उबलते हुए 2-3 मिनट हो चुके हैं, गुड़ भी अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है, और अदरक और इलायची का फ्लेवर भी इसमें अच्छे से आ गया है। अब दूध भी हमारा उबल चुका है, दूध उबल चुका, गैस को सिम किया हुआ था। अब दूध को चाय में डाल देंगे। इससे क्या होगा, हमारी चाय बिल्कुल नहीं फटेगी। दूध डालते ही चाय में उबाल आ गया। अब जिस तरह से चाय बनाने वाले करते हैं, इसको उठा के इस तरह से हटा के इस तरह घुमा घुमा के बनाओगे आप, आपकी चाय बहुत ही टेस्टी बनेगी। एक बार ज़रूर ट्राई करके देखें। अब हम गैस को बंद कर देंगे, चाय सर्विंग के लिए तैयार है। को छान लेंगे, आप चाहो तो कप में पियो या कुल्लड़ में पियो। गुड़ की चाय वैसे मार्केट में कुल्लड़ में ही अच्छी लगती है, तो हम कुल्लड़ में भी डाल देंगे और कप में भी डाल देंगे। तो लीजिए फ्रेंड, हमारी सर्दी स्पेशल चाय पीने के लिए तैयार है। ज़रूर ट्राई करके देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।